ये जो बंगला ऊपर देख रहे हैं यही घर है उनका। हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे। तो फिलहाल तो आप बढ़िया होंगे। तो फिलहाल अभी तो मेरी आवाज़ आती नहीं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अभी मैं हूँ जुहू बीच, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं जाने वाला हूँ सेलिब्रिटी का घर दिखाने वाला हूँ। तो जुहू बीच पर इसका घर होगा उसी को दिखाएंगे, क्योंकि इसके पास में मुझे दिखाया अक्षय कुमार जी का घर है। फिलहाल उसके पास चलते हैं। और आवाज़ तो आएगी नहीं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो फिलहाल चलेंगे। और गैस मेरी आँख तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है और आँख बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी है। नई ब्लॉग डाल लेते कि आँख में कुछ दिखाई नहीं देता है। गैस देख सकते हैं आप, बहुत लाल हो रही है, बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी है। और अभी मैं जू बीच पे हूँ और इधर देख सकते हैं चारों ओर समुद्र बहुत बहुत ही मस्त लग रहा है इधर आके। तो फिलहाल चलते हैं, अब अक्षय कुमार जी के घर दिखाएंगे। यहाँ से लमसम मैं 1 किलोमीटर है। तो फिलहाल चलते हैं, इसके किनारे किनारे निकलते हैं ऐसे हम, तो इसके किनारे किनारे निकल जाएंगे और फिर आज चलेंगे अभी। तो चलिए मिलेंगे आपको आगे जाके, क्योंकि आगे क्या थोड़ी सी दूर है। तो इसका और पास का बैक कैमरे में से नज़ारा दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए आप और इधर भी, क्या मस्त व्यू है। चलते हैं आगे। तो इधर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है आँख बहुत ज़्यादा, और मैंने दवाई भी ले ली है, ड्रॉप ले लिया है। तो फिलहाल तो अभी हम आगे चलेंगे, फिर मिलेंगे आपको आगे जाके। फाइनली आ चुका है अक्षय कुमार जी का घर, जो कि जुहू बीच के मतलब किनारे पर, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर ही है। तो फिलहाल तो अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और मुंबई में काफ़ी दिनों हमको रहते हुए यहाँ, और आपको मिलाएंगे हम, बहुत लोगों से मिलना है अभी हमको। और अभी घूमने के लिए हमारी फिल्म सिटी रह गई है, तो फिल्म सिटी का भी सीन आपको दिखाएंगे हम। तो ब्लॉग को पूरा देखना। तो चलते हैं अभी, तो इसी चक्कर से हमने ब्लॉग नहीं डाले थे क्योंकि हमारी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इससे दिखाई भी नहीं देता है। फिलहाल हम आ चुके हैं फाइनली, तो वेट कीजिए, आपको मिलेंगे अब हम उसके पास जाके। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम अक्षय कुमार जी के घर पर, और उसके पास लगे हैं गाइड। तो फिलहाल वहाँ वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें मना कर चुके हैं, नहीं बना सकते, और अक्षय कुमार जी है ही नहीं घर पर। तो फिलहाल दिखा देते हैं हम आपको बैक कमरे से। तो देखिए ये घर है उनका और बिल्कुल समुद्र के किनारे पर है। फिलहाल दिखाते हैं हम आपको, सो गाइस दिखाते हैं हम आपको। तो पहले तो इधर से दिखा देते हैं ये यहाँ से, और ये जो बंगला ऊपर देख रहे हैं यही घर है उनका। और फिलहाल बैक कैमरे से दिखाते हैं हम आपको, दिखाते हैं आपको हम। देखिए ये है इनका घर अक्षय कुमार जी का, और ये गार्ड लोग खड़े हैं उसके, और ये घर है इनका। ये काफ़ी बड़ा घर है और काफ़ी शानदार भी है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, आपको दिखा दिया मैंने, तो और आगे जाके दिखाते हैं हम आपको ये कैसा है। सुबह से मैंने आपको दिखा दिया, और फिलहाल अभी आपको और दिखाते हैं हम, और कभी बीच समुद्र के बीच पर आ चुके हैं। फिलहाल ये यहाँ समुद्र है, और फिलहाल ये घर है, और फिलहाल ये है घर। तो बस इसका नाम है जू बीच। तो जू बीच नाम से ही ये है अपार्टमेंट इनका घर। तो फिलहाल मैंने दिखा दिया आपको, और सामने खड़े हैं हम, पीछे मेरे घर पीछे आप दिख रहे हैं ना, तो पीछे ये घर अक्षय कुमार जी का घर है। फिलहाल जो यहाँ रहते हैं, और फिलहाल चलते हैं यहाँ से, क्योंकि घर से हमने पूछा भी नहीं था, हम कह रहे कि नहीं, हमने पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने पूछा नहीं था घर से, शायद वो मना कर दे इसीलिए नहीं पूछा था हमने। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, तो बस यहाँ बीच और पीछे, और फिलहाल यहाँ इसके पास में पीछे पीछे दिख रहे हैं ना, इधर है यानी कि इधर है समुंदर, और इधर पीछे ये घर है अक्षय कुमार जी का। तो फिलहाल यहाँ चलते हैं आगे, और आगे देखेंगे किसका घर है। फिर भी आज हमको आपको दिखाई देंगे, इसका घर भी दिखाना है। इसके जू बीच के पास में जितना घर होंगे ना, तो गाइस सेलिब्रिटी के, वो सब घर आपको दिखा देंगे हम। यहाँ से आगे चलते हैं, तो फिलहाल एक कैमरे से बैक कैमरे से दिखा देंगे आप। पीछे देख सकते हैं समुंदर दिखाई देता है, मैंने समुद्र के किनारे पर मतलब जस्ट आस पास में घर इनका है। तो दिखा दें आपको, देखिएगा इधर ये घर है अक्षय कुमार जी का, और इसके पास में ये समुंदर है। तो बस चलिए आपको मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैं यहाँ अंदर जा नहीं सकते हम लोग, तो यहाँ सिक्योरिटी है ना, इसीलिए किसी से पूछा भी नहीं इन्होंने, और गाड़ियाँ खड़ा था जाने नहीं देगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ खड़े थे, 2-3 लोग और भी खड़े थे, तो वहाँ उसको जाने नहीं दिया। तो क्या हमको क्या जाने देगा। सो फाइनली गाइस, हमने आपको दिखा दिया अक्षय कुमार जी का घर, आपको शाम का नज़ारा दिखाएंगे, एकदम ज़बरदस्त एकदम मस्त नज़ारा है शाम का। तो फिलहाल तो अभी इंतज़ार करते हैं
सुबह अब हम लोग इसमें नहाने वाले थे, काफ़ी पानी घट भी गया है इसमें, काफ़ी घट चुका पानी, उधर पानी था और इधर पहुंच गया। तो इस ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, तो फिलहाल चलो इसमें नहाते हैं और कुछ इन्जॉय करते हैं। तो सभी कपड़े उतारते हैं हम लोग और ये वाले, क्योंकि हम नंगे नहीं नहाने वाले, क्योंकि आपरा नहीं हमें थोड़ी आप समझ सकते हो, इसीलिए फिलहाल ये कपड़े उतारते हैं और फिर चलते हैं इसके अंदर। तो चलिए सबने कपड़े चेंज कर लिए, अब चलना है सीधे नहाने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, और आज ऊपर ऊपर के चेंज किए हैं हमने, नीचे तो किया ही नहीं है, वो आपको हम नहीं दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे जाके नहाते हुए। तो गाइस हम आज पे बहुत अंदर, और काफ़ी अंदर भी है, बहुत ज़्यादा बहुत अंदर आ चुके हैं। और फिलहाल देख सकते हैं आप कि और जाना हमको अंदर, क्योंकि मोबाइल लेके नहीं जा सकते अंदर, मोबाइल रखते हैं, मिलेंगे आपको बाद में। अभी गिर जाती मोबाइल, तो फिलहाल चलो मिलते हैं आपको बाद में। बस फाइनली हमने नहा लिया और फिलहाल अब जा रहे हैं रूम पर, क्योंकि तो काफ़ी रात हो चुकी है, रात तो नहीं है फिलहाल, यहाँ बारिश का मौसम है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि रात हो चुकी है। फिलहाल कम से कम नहाए होंगे हमें 2 से 3 घंटे, और इतना पानी पी लिया हमने, बहुत ज़्यादा, इतना नमक पर बहुत ज़्यादा। तो फिर भी बारिश का मौसम है और फिलहाल चलना पड़ेगा हमें जल्दी। गैस एक बात और बता दूँ आपको, अगला ये ब्लॉग देखो, अगला ब्लॉग में बहुत मस्त मस्त आने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं अगले सेलिब्रिटी के घर। कमेंट करके ज़रूर बताना किसके घर जाएँ। तो ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो मिल भी गए थे हमारे लिए, तो फिलहाल दिखाते हैं आपको ऐसा ब्लॉग थे, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब। तो भैया ने कुछ कहा है तो आप लोग करना पड़ेगा। तो फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।